नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों का गाना निकालने का प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों अब एक चीज और आती है कि गाना जब हम निकालते हैं या गाना बजाते हैं तो उसके लिए फिंगर की जरूरत होती है। कि क्या जरूरत होती है फिंगरों में, कि वो सिस्टमेटिकली चले, सिस्टम में चलना चाहिए। देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं, ना कि यहां हमने रखा कभी ऐसे कर बजाना है, या कभी यहां रख दिया इसको इस तरह ले गए, या यहां रख दिया तो इसको यहां ले आए, यहां रख दिया ऐसे इस तरह कर ले गए। ऐसा करने से कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो एक तो आप अलंकार करें, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, वो अलंकार को उसी फिंगर के साथ करते रहें दोस्तों। और दोस्तों आज मैं जो अभी फिंगर को फास्ट करने के लिए इसमें दो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि शायद मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अलंकार की प्रैक्टिस बहुत सारा करते होंगे फिंगर के लिए, लेकिन क्या दोस्तों ऐसा होता है कि हर चीज में सभी स्वर लगते हैं, सारे गम पद नि सा नि ध भ म ग, ऐसा होता है नहीं। स्वर बीच बीच में छूटते भी है ना, कोई कोई नहीं भी रहता है स्वर बीच बीच में, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं रहने से आपको दिक्कत होगी। तो आज दोस्तों मैं आपको 5 स्वर सारे ग प ध सा वाले स्वर पे मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप उस पर करें, 2-3 अलंकार को करें। और एक तो क्या करें दोस्तों, सबसे पहला देखिए इसके आगे मैं जो बताऊंगा वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन पहले इसको तैयार करना होगा। पहले क्या आप बजाते हैं तो इसमें म और नी को नहीं लगाना है, यानी इसको कहते हैं राग भूपाली के स्वर ले लेना। राग भूपाली में सारे ग प ध सा लगता है, उसके स्वर को लेकर। देखिए बहुत यूनिक चीज, शायद मैं ये बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं आप हारमोनियम पर्सन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे आप शायद जानते भी होंगे, हो सकता है ऐसा। देखिए सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अब देखिए मैं आपको कितना एक ट्रिक समझाता हूं, तरीका। आप कहेंगे कि देखिए सर मैं जानता हूं जो जरूर था, लेकिन मैं इसको इस तरह से कर नहीं पाता था। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए पहले क्या, आप जैसे सारे गम पध नि सा करते हैं वही कीजिए, म और नी को हटा दीजिए, म और नी स्वर को हटा दीजिए, और बाकी सबको कीजिए वैसे ही जैसे सारे गम पध नि सा करते हैं। तो अगर म और नी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सारे ग प ध सा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा, जरूरी नहीं कि गाने में म लगता हो, जरूरी नहीं कि नी लगता हो, तो उस समय तो हमको दिक्कत होगी। तो इसलिए और फिंगरिंग का बैलेंस भी एक तरह का बना रहेगा, इसमें हर तरह से बनेगा। तो देखिए अब क्या करें आप, कि सा के बाद रे और ग ऊपर वाला भी ले लें, क्योंकि अभी तो आप लर्नर बिल्कुल नहीं रहे, अब आप आगे की ओर बढ़ चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं आप सभी लोग। तो अब थोड़ा लेवल को बढ़ाइए, अब लेवल को वही मत रखे रहिए, लेवल को बढ़ाइए, साथ साथ आएगा, निश्चित आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेवल को बढ़ाइए थोड़ा। तो मैं वही बता रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, रे और ग को ऊपर ऐड कर लीजिए, तो सा ऊपर वाले तार सप्तक के रे ग को, तो वही सा रे ग प ध, और ये सा तो आपको पता ही है, और रे ग, तो इसको करेंगे सा रे ग प ग प ध सा रे ग रे सा। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, सा फिर ध प ग रे, देखिए सा रे ग प ध, फिर जंप कर सा, फिर रे ग रे सा,
फिर जम कर करिए ध प ग रे सा, तो क्या हो जाएगा? आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा फास्ट देखिए, थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर, लेकिन आप पहले स्लो कीजिएगा फिर आ जाएगा। इसको कीजिए, पहले इसको बहुत कीजिए, जब ये आ जाए तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको ये पता है, आपको अलंकार पता है सारे ग सारे ग म रे, सॉरी सारे ग रे ग म ग म प, उसी अलंकार को कीजिए उसी तरह म और नी को हटाकर, तो कैसे हो जाएगा वो, सारे ग रे ग प, क्योंकि म लगाना नहीं, प ग प ध प ध सा। अब यहां पे रखिए प ध सा, क्यों, क्योंकि फिर यहां आना है, तो इसके लिए फिर ध सारे सारे ग ऐसा फिंगर, देखिए सारे ग रे ग में फिंगर कैसे बदलता है, सारे ग सेम है पहले की तरह, रे ग प ग प ध प ध सा, ये ले आना ऐसा प ध सा, फिर जब ध सा रे जाएंगे तो इसको रख लेंगे यहाँ ध सा रे, फिर सारे ग, देखिए ध सा रे ग, फिर ग रे सा ध सा ध प ग प ग रे ग रे सा, है ना, सारे ग रे ग प ग प ध, फिंगर देखिएगा प ध सा, फिंगर देखिएगा ये आ गया ध सा रे, फिर फिंगर देखिएगा ये आ गया सा रे ग, और जैसे गए सेम वापस ग रे सा ध प ध प ग रे ग रे सा, और जब इसको आप फास्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इस तरह से। और एक चीज और, एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें एक आप और करते होंगे, सारे ग के जगह सारे ग ग, सारे ग ग, तो यहाँ ग रे सा सा, है ना, सारे ग ग रे ग प प ग प ध ध प ध सा सा ध सा रे रे सारे ग ग, लास्ट स्वर यानी कि हम लोग सारे ग तीसरा स्वर करते, तो फिर ठीक है दोस्तों। और एक और वो भी आप जानते हैं, आप करते हैं सारे 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 ग म सारे सारे ग सॉरी सारे सारे ग रे ग रे ग म करते हैं, इसमें ही म और नी को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कीजिए, खूब कीजिएगा, फिंगर आपका फिर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, आप उभर ही पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एडवांस जाना चाहते हैं दोस्तों तो पहले फिलहाल इतना कीजिए, इसमें मैं ऐसा भी बता सकता हूं कैसा, ऐसा कीजिए सारे ग ग रे ग प प ग प ध ध प ध सा सा, फिर ध सा रे ग रे सा 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 ध प ग रे सा 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 ध प ग रे सा 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 ध प, बहुत
आसान सा काम है, बहुत चीज, इसको नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। सब तो आता है, थोड़ा सा यहाँ पर बदलता है दोस्तों। देखिए, सा रे ग ग, रे ग प प, ग प ध ध, प ध सा सा, ये आपको आता है। सिर्फ यहाँ मैं बदल रहा हूँ क्या, ध सा रे ग रे सा, बस यही आपको ध्यान रखना है, ध सा रे ग रे सा। और इसके बाद वाला तो आप कर ही सकते हैं तीन बार का, सा सा ध प ग रे सा सा, फिर सा सा ध प ग रे सा सा, फिर वही सा सा ध प ग रे सा सा। और अगर सबको मिलाकर आप करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, लिखने की बात नहीं करें, अपने आप को ऊपर ग्रो कीजिए। क्लास वन से क्लास टू में जाइए, थ्री में जाइए, आप इसको सुनिए, मैं धीरे धीरे मैंने बताया है, आप उसको नोट कीजिए खुद से, या नोट करने की भी खास जरूरत नहीं है, पहले वाले से मिलता जुलता है, सिर्फ मैंने म और नी स्वर को हटा दिया है, सिर्फ स्वर कितना लिया है, पांच स्वर, सा रे ग प ध, सा तो ऑलरेडी है ही, फिर सा रे ग प ध, फिर ऊपर सा, बस वही ऊपर ही रे ऊपर ग, इतना ही तो है, यानी मेन स्वर सा रे ग प ध, पांच स्वर, ये राग भोपाली का स्वर है। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, फिंगर तो आपकी दौड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज फिंगर दौड़ाने के लिए मैं बता दूंगा बिल्कुल अलग ट्रिक के साथ, इसी तरह से आपकी फिंगर दौड़ेगी और जरूर दौड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल बनी हुई होती है, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसके बाद ऑल आएगा तो ऑल पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो बने वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।